नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका यूट्यूब चैनल। मैं करण, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। आज लेके आए हैं आपके लिए सेक्टर 13 की लोकेशन पे स्वरूप सदन अपार्टमेंट में 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का फ्लैट होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी छोटी सोसाइटी रहने वाली है, ऑलमोस्ट 50-60 के आसपास फ्लैट है सोसाइटी में। ज़्यादा बड़ी सोसाइटी नहीं है, प्लॉट साइज भी छोटा मिलता है, तो बहुत बड़ा पार्क भी नहीं मिलता है सोसाइटी में। इस तरीके का आपको पार्क मिल जाता है, देख सकते हैं। इस तरीके का आपको छोटा सा एक पार्क मिलता है सोसाइटी में। स्टिल्ड पार्किंग स्पेस है एंड ओपन पार्किंग स्पेस आपको इसमें मिलता है सोसाइटी में। अब बात करते हैं सोसाइटी के लोकेशन की, तो सेक्टर 13 का लोकेशन है। सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन पास पड़ता है, बिगेस्ट मॉल बहुत पास पड़ता है सेक्टर 13 से। अगर मैं बात करता हूँ तो आपका मार्केट स्पेस जो आता है आशीर्वाद चौक पास पड़ता है, तो सारा जो मार्केट स्पेस है वो मतलब ऑल दो सारी चीज़ें यहाँ से नियर पड़ती हैं। एंड नाउ वी कम टू दिस फ्लैट, आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लॉबी स्पेस हो जाता है। जनरली द्वारका में इतनी बड़ा लॉबी स्पेस किसी सोसाइटी में नहीं मिलता है। दो फ्लैट उस तरफ हैं, दो फ्लैट इस तरफ हैं, देख सकते हैं। दोनों फ्लैट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। जनरली इतना बड़ा जो लॉबी स्पेस का जगह है वो जनरली द्वारका की सोसाइटी में नहीं मिलता है। दो लिफ्ट केस मिलते हैं, एक स्टे केस उधर मिलता है, एक स्टे केस मिलता है इधर। डबल एंट्री का फ्लैट है, सारे फ्लैट में डबल एंट्री है। ये बेडरूम, ये वाला जो डोर है ये बेडरूम में एंट्री करता है। टोटल नंबर बनता है इस फ्लैट का नंबर 2, तो आप देख सकते हैं वास्तु के हिसाब से अच्छा नंबर है आपके लिए। नहीं, जैसे आप एंटर करेंगे तो यू डायरेक्टली एंटर टू द लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिलता है आपको। डाइनिंग एंड लिविंग साइज बहुत अच्छा मिलता है। नीचे वर्टिफाइड लाइनिंग का बहुत खूबसूरत काम है, ऊपर बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है, देख सकते हैं। काम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम किया गया है। बट ऐसा न्यूली फर्निश्ड नहीं है, बट काम जितना भी किया गया सारा बहुत अच्छा काम इसमें आपको मिलता है। इधर मिलती है एक बालकनी स्पेस, जो कि आपको मैं अगर आपको डायरेक्शन बता देता हूँ तो ईस्ट है। ये जो सुबह आपका सूरज सामने से निकलेगा, ऑलमोस्ट अभी 2-2.5 बजे का टाइम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से धूप जा चुकी है। इसमें आपको 1 से 1.5 बजे की धूप इसमें आपको इजीली मिलेगी। ये सामने सारा ग्रीन देख सकते हैं आप, सारा ग्रीन फेस करता है। पीछे डीडी का एक मेंटेन पार्क मिल जाता है। सोसाइटी बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन है, बहुत अच्छी सोसाइटी मिलती है आपको। एंड इसमें नीचे वर्टिकल डाइनिंग का काम मिल जाता है आपको इस तरीके से। यहाँ पर मिलता है डाइनिंग स्पेस, कुछ इस तरीके का काम है। इसमें भी ऊपर फॉलिंग का काम किया गया है, नीचे वर्टिकल डाइनिंग का काम आपको मिल जाता है। एक बेडरूम आपको यहाँ मिलता है, जिसमें से जिसमें आप देखेंगे ये वाला जो एंट्रेंस है वो बाहर से भी मतलब आप इसमें एंटर कर सकते हैं, इस तरीके की है। सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन और अच्छी सोसाइटी आपको मिलती है। इसमें देखेंगे ऊपर फॉल सीलिंग का काम हो रखा है बेडरूम में। बेडरूम साइज बहुत खूबसूरत है, 12x14 के आसपास का साइज है ऑलमोस्ट। 2 डोर वार्डरोब स्पेस लगा हुआ है यहाँ पे। नीचे वर्टिकल डाइनिंग का काम मिल जाता है। इधर मिलता है आपको वॉशरूम अटैच, जो कि कुछ इस तरीके के शेप में आपको मिलता है। एंड इस तरीके के कलर कंट्रास्ट में डाइनिंग का काम है, बाथिंग सेपरेट किया गया है, और इस तरीके का आपको सारा का सारा फिटिंग्स एंड स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम एरिया विद अटैच वॉशरूम। नाउ वी कम टू द किचन स्पेस ऑफ दिस फ्लैट। दिस इज द किचन, ब्यूटीफुल किचन स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे। कैबिनेट सारे पुराने हैं, बट ऑल्दो सारा बढ़िया काम किया गया है। यहाँ पे मिलता है आपको वेंटिलेशन स्पेस, इधर मिलता है फ्रिज का स्पेस आपको। आप इस फ्लैट को थोड़ा सा मतलब किचन में थोड़ा बहुत काम करा के ओपन भी करा सकते हैं, तो इट लुक गुड। और जगह आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर ओवर स्टोरेज मिलता है, इधर भी आपको ओवर स्टोरेज मिलता है। चिमनी एंड ओप का स्पेस मिलता है, इधर आपका ड्राई काउंटर मिलता है। तो इस तरीके से मिलता है आपको आपका किचन स्पेस। नाउ वी कम टू द कॉमन वॉशरूम एरिया। ये आपको मिलता है कॉमन वॉशरूम एरिया, जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। बाथिंग इस पर भी सेपरेट किया गया है, इस तरीके का काम मिल जाता है। टाइलिंग का कलर कंट्रास्ट अच्छा मिलता है, और सारा बैटिंग आपको इसमें मिल जाता है। नाउ वी कम टू द सेकेंड बेडरूम एरिया। दिस इज द सेकेंड बेडरूम एरिया, जो कि ऑलमोस्ट 10x12 के आसपास का रूम साइज मिलता है आपको। ये दिस इज आइडियल साइज ऑफ द्वारका के जितने भी बेडरूम साइज होते हैं उनका आइडियल साइज 10x12 के आसपास रहता है। वर्टिकल डाइनिंग का काम मिलता है, ऊपर बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम मिल जाता है। इधर 2 डोर वार्डरोब स्पेस मिलता है। इधर मिलती है आपको एक बालकनी स्पेस, जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो जैसे देख सकते हैं इस वाली बालकनी पर भी धूप आ रही है, बट जाती हुई धूप है ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में यहाँ से चली जाएगी। इस फ्लैट में आपको सुबह से लेकर 3 बजे तक की धूप आपको मिलती है। इस सामने ईस्ट है, इस तरीके से सूरज वेस्ट की तरफ जाता है, तो आपको 2-3 बजे तक की धूप इसमें आपको मिल जाती है। तो ये हो जाता है इसका सेकंड बेडरूम एरिया। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड द मास्टर बेडरूम स्पेस, जो कि आपको इस तरीके से मिलता है।
बेडरूम साइज देखेंगे ऑलमोस्ट 11x14x15 के आसपास का साइज है, बहुत बड़ा साइज मिलता है। नीचे वर्टिफाइल लाइनिंग का काम मिलता है, ऊपर बहुत बढ़िया फॉल सीलिंग का काम किया गया है। टू डोर वार्डरोब स्पेस मिल जाता है आपको, इसमें मिलता है अटैच वॉशरूम एरिया जो कि कुछ आपको इस तरीके का मिलने वाला है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का कुछ मिलता है आपको। डब्ल्यू सी आपका सिंक स्पेस एंड बाथिंग आपका इसमें सेपरेट किया हुआ है। एंड ये हो जाती है इसकी अटैच बालकनी जो कि कुछ आपको सोसाइटी की तरफ फेसिंग मिलती है, ईस्ट की तरफ फेसिंग है तो सुबह की धूप मिलेगी, ये देख सकते हैं सुबह की धूप मिलती है आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कंप्लीट, स्वरूप सदन अपार्टमेंट सेक्टर 13, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का फ्लैट मिलता है दोस्तों। सोसाइटी बहुत वेल मेंटेन है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक वेल मेंटेन सोसाइटी देख रहे हैं और अच्छे बजट में देख रहे हैं, तो ये अच्छी सोसाइटी है, वेल मेंटेन सोसाइटी है। 3 बेडरूम का और 3 वॉशरूम का अच्छा बड़ा साइज का फ्लैट है, डिमांड है 2 करोड़ 48 लाख रुपये विच इज़ नेगोशियबल। आप आइए पसंद कीजिए, बहुत अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन द्वारका एक्सप्रेस वे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, गिव यू द बेस्ट डील। थैंक यू, धन्यवाद।